हेलो जी, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं आप सबकी अपनी ममता सचदेवा, एक बार फिर से आप सबके साथ में। और आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं करीबन करीबन 1.5 घंटे से ये सोच रही थी कि मैं किस चीज के ऊपर एक अच्छी सी वीडियो बनाऊं जो आपके दिल को फिर से छू जाए। ऑलरेडी मुझे लगता है आपके दिल में थोड़ी सी जगह तो मैंने बना ही ली है। अगर आपको लगता है बनाइए तो मुझे बताना मत भूलिएगा। आप लोग जो इतना प्यार मुझे इतने सारे मैसेजेस के जरिए फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, मेरे फेसबुक अकाउंट्स के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, हर जगह आप जो इतना प्यार मुझे कमेंट्स लिख लिख के भेजते हैं वो अननोटिस नहीं है। मुझे सब पता है कि आप क्या क्या लिखते हैं। मैं देखती हूँ कभी कभी, जब मुझे मौका मिलता है जॉब से तो मैं डेफिनेटली आपके कमेंट्स को पढ़ती हूँ और बहुत ज़्यादा खुशी से भर जाती हूँ। कभी जिंदगी में इनफ शुक्रिया तो आपका नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि एक जज्बा मेरे मन में आया कि मैं चैनल शुरू करूँ, लेकिन उस चीज़ को यहाँ तक लाने के लिए जो आपका सपोर्ट और सहयोग है वो काबिले तारीफ है। उसके बिना तो डेफिनेटली ये ममता सचदेवा क्या कोई दुनिया का इंसान कहीं नहीं पहुंच सकता, अगर उसके साथ आप जैसे लोग ना खड़े हों। तो बहुत बहुत थैंक यू आप सबका। तो आज की ये जो वीडियो है वो डेडिकेटेड है मेरे प्यारे से, मेरे दुलारे से, जो फैंस हैं उनको। फैंस कहूँ, फॉलोअर्स कहूँ, सब्सक्राइबर्स कहूँ, मैं तो यही कहूँगी, आप सब मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए एक फैन वर्ड को लेके चलते हैं, क्योंकि मैं सारे वर्ड्स सब यूज नहीं कर पाऊंगी। तो अगर आपको ऑफेंसिव लगे कि हम तो आपके फैंस नहीं हैं, तो आप वो भी मुझे लिख के बता सकते हैं। लेकिन मुझे मेरे दिल में ऐसा लगता है कि आप अभी कहीं ना कहीं आपके दिल में थोड़ी सी जगह मेरी जो है वो बन गई है, तो इसलिए मैं ये कह सकती हूँ कि आप थोड़ा सा मुझे पसंद करते हैं, पसंद करने लगे हैं। तो आप मेरे इन अवे छोटी सी, यू नो, दिस ममता सचदेवा के छोटे से, बड़े से, जो भी है, फैन है। तो आप सबके लिए ये वीडियो डेडिकेटेड है आज की। आपको कुछ एक छोटी छोटी सी मैं स्टोरीज बताऊंगी कि फैंस के रिलेटेड जब मुझे मैसेजेस आते हैं मेरी, उनके रिलेटेड क्या फीलिंग्स होती हैं, या जब मुझे कोई मेरा फैन चलते हुए मिल जाता है, या मेरा कोई फॉलोअर मुझे चलते फिरते मिल जाता है, तो उस टाइम मेरे जो एक्शन और रिएक्शंस क्या होते हैं, तो मैं आपको थोड़ा सा उसके ऊपर आज ये वीडियो के द्वारा बताना चाहती हूँ। डोंट माइंड। सबसे पहला जो मुझे एक लड़का मिला था, उस लड़का लड़के का नाम, जो मेरा फर्स्ट एवर मेरा फॉलोअर कम फैन जो मुझे मिला है, उसका नाम है प्रिंस। वो मुझे मिला था दिल्ली में, पैसिफिक मॉल में। दैट वाज माय फर्स्ट एनकाउंटर, फर्स्ट टाइम कभी किसी ने मेरे पीछे से आके मुझे कहा कि आप ममता सचदेवा हैं, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, क्या मैं आपके साथ फोटो ले सकता हूँ। उसके साथ उसके तीन दोस्त थे, तो वो सबसे पहले वो लड़का मेरी जिंदगी में, मतलब वो खुशी एक लेकर आया जिससे मुझे लगा कि आज मैंने जिंदगी में कुछ दोबारा से अचीव कर लिया है लाइफ में। वो मेरा लाइफ का फर्स्ट इंसिडेंट था। उसके बाद मुझे एक लड़का राजगिल करके, अगर आपको याद हो, मिलने आया था दिल्ली में पैसिफिक मॉल में। उस लड़के के साथ मेरा कांटेक्ट हुआ किसी तरह से। उसने मुझे मिलने के लिए बहुत रिक्वेस्ट की, तब मैं नई नई यूट्यूबर थी, मैं उससे मिलने के लिए गई। वो मुझे मिलने के लिए आया, बहुत रोया, बहुत उसने अपने दिल का हाल बताया। उसकी मदर से मेरी बात हुई और उन्होंने मुझे इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी उस टाइम पे कि बेटा आपने इसकी नौकरी का कुछ करना है। कोई इंसान किसी के लिए कुछ करने वाला नहीं होता, मैं इस चीज़ का कभी श्रेय नहीं लेना चाहूंगी और ना ही मैंने कुछ किया है। उस लड़के की कुछ टाइम के बाद जॉब लकीली लग गई किसी तरह से, और वो लड़का एयरपोर्ट में जॉब करने लग गया, विच वॉज वेरी गुड फॉर हिम एंड उसकी फैमिली। उसके बाद मैं उसकी फैमिली से मिलने के लिए भी गई, वो उनके लिए मैंने सरप्राइज प्लान किया था, उनका किसी तरह से फ़ोन नंबर निकलवाया, किसी तरह से उनका एड्रेस निकलवाया। वो वीडियो भी आई एम श्योर आपने मेरे चैनल के ऊपर देखी है। तो वो एक दिल का एक बहुत ही करीब वाला मोमेंट था मेरे लिए, किसी के परिवार से जाके इस तरह से मिलना। उसके बाद एक रिया नाम की लड़की मुझे मिली दिल्ली में। उनके पेरेंट्स ने मुझे ढूंढने के लिए पता नहीं बेचारे कहाँ कहाँ गए, उनको पता था मैं दिल्ली में हूँ। यूजली तो आजकल मैं डिक्लेयर नहीं करती हूँ कि मैं कहाँ पे हूँ, लेकिन उनकी हिम्मत है कि उन्होंने मुझे कैसे ढूंढा। उन्होंने मुझे जनकपुरी में, मैं किसी इवेंट में थी, वहां जाके टिफ्टी का इवेंट हो रहा था, आप वो भी वीडियो मेरे चैनल के ऊपर ढूंढ सकते हैं। तो एक रिया जो है मेरी प्यारी सी फॉलोअर, उसकी मॉम मुझे मिले, हम दोनों भावुक हुए, बहुत प्यार से हमने बातचीत की। तो वो भी मेरी लाइफ का एक बहुत ही गोल्डन मोमेंट था, और जिसने मुझे ऐसा फील कराया कि जिंदगी में मैं शायद कुछ ठीक कर रही हूँ, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। तो
तो ये तीन इंसिडेंट्स मेरी लाइफ के जो हैं सबसे टॉप में रहेंगे। मैं ये नहीं कहती कोई इससे कम है कोई इससे ज्यादा है, आप सब मेरे दिल के बहुत करीब हैं। उसके अलावा फिर ये जो जर्नी है आगे चलती गई, कभी मुझे दिल्ली एयरपोर्ट में कोई स्टाफ मिल जाता था, भाग के मेरे पास आता था, मुझे कहते थे मैम मैं आपका फैन हूँ, मैं आपकी वीडियोज़ देखता हूँ या देखती हूँ। कई बार मुझे फ्लाइट्स के ऊपर भी ऐसे पैसेंजर्स मिले हैं जिन्होंने मुझे डोर के ऊपर पहचान लिया, आप ममता सचदेवा हैं, हम आपका चैनल फॉलो करते हैं। एक दो पैसेंजर्स ने भी फ्लाइट के दौरान भी मुझे पहचाना, तो मतलब बहुत ही अच्छा लगा। और कई बार ऐसा होता है, बहुत सारे इंजीनियर्स होते हैं एयरपोर्ट में भाग के आते हैं मेरे पास, हम आपका चैनल फॉलो करते हैं, अब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कई कैबिन क्रू मेरे कलीग्स फ्रीज हो गए मुझे देखकर, क्योंकि उन्होंने कभी मेरे साथ इससे पहले फ्लाइट नहीं की थी, और हम सारे कलीग्स जो हैं वो रोजमर्रा एक दूसरे से मिलते नहीं हैं। तो उनमें से कई कलीग्स के पास जैसे मेरा फोन नंबर नहीं था या उनको ये नहीं पता था मैं कहाँ रहती हूँ, तो वो मुझे मिल नहीं पा रहे थे, लेकिन वो मेरे डाई हार्ड फैन थे। तो हुआ क्या कि मैं ब्रीफिंग ले रही थी फ्लाइट के लिए और वो सिर्फ मुझे देखते रहे कंटिन्यूसली, और कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा सा इंट्यूशन हो गया था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो बाद में पता चला कि वो भी मेरा चैनल फॉलो करते हैं या उनके कजन्स करते हैं, उनकी फैमिली करती है, तो वो दे वर लुकिंग फॉरवर्ड टू इस फ्लाइट के लिए, जो फ्लाइट मैं उनके साथ कर रही थी वो उसकी वेट कर रहे थे कि कब मैं उनको ब्रीफिंग में मिलूं और वो जो है अपनी परिवार का मैसेज मुझे दे पाएं। तो मेरे कलीग्स मेरे कई बार जैसे क्लीनिंग टीम होती है हमारी, क्लीनिंग टीम में भी लगभग 80% जो लोग हैं वो मेरे फॉलोअर्स हैं, क्योंकि हम रोज़मर्रा मिलते हैं, जैसे मैं फ्लाइट पे जा रही होती हूँ वो लोग निकल रहे होते हैं, तो एक छोटी सी मुलाकात है, हेलो हो जाता है सबके साथ, थोड़ा मजाक मस्ती हो जाता है। तो उन लोगों के साथ भी एक जो बॉन्डिंग है वो बहुत प्यारी सी बन गई है। उसके अलावा कई मेरे बहुत अच्छे से कलीग्स हैं जो बहुत अप्रिशिएट करते हैं, उनमें से एक लड़के का नाम सलमान है, उसने मुझे हमेशा बहुत अप्रिशिएट किया। कमर है उसने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया है, एक विभू नारंग है उसने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया है हमेशा। उसके अलावा कई और फैमिलीज हैं जिन्होंने आगे बढ़ चढ़ के आके मेरी जो तारीफ की है। एक और लड़का है वो उसको मैं अपना भाई मानती हूँ, उसका नाम वरद है, उसने हमेशा मुझे बहुत सपोर्ट दिया है। हमेशा मेरी कोई भी वीडियो रिलीज होती थी तो वो मुझे कहता था दीदी आपकी वीडियो बहुत अच्छी है, कभी वो अगर कोई नेगेटिव कमेंट भी देख लेता था तो वो मुझे मैसेज करता था दीदी ऐसे ऐसे किसी ने गलत लिखा है आपके बारे में, आप प्लीज़ इसको डिलीट कर दो मुझे अच्छा नहीं लगता। अब ये कल की बात ही है, तो उसने जब ये मुझे बात बोली तो मैंने उसको समझाया कि कोई बात नहीं, जहाँ इतने सारे लोग प्यार दे रहे हैं वहाँ पे कुछ लोग अगर नेगेटिव भी लिखते हैं तो वो पार्ट ऑफ लाइफ है, वो होना ही होना है, उस चीज़ को अवॉइड नहीं किया जा सकता। आप कितना भी अच्छा काम करो, कितना भी पॉजिटिव बोलो, कितना भी आप नेक काम करने की कोशिश करते हो, हमेशा कोई ना कोई ऐसा होता है जिसको इस चीज़ से है, या आपसे लड़की होने से या नेशनैलिटी से शायद, या किसी ना किसी को प्रॉब्लम होगी ही होगी, उस चीज़ को हम अवॉइड नहीं कर सकते। तो वो चीज़ मैंने उसको कल ही समझाई तो उसका मन थोड़ा सा पक्का हुआ। उसने कल मुझे एक छोटी सी वीडियो भी भेजी है जिसमें उसने मुझे ये दिखाया कि उसकी फैमिली जो है वो टीवी पे मेरा चैनल देख रहे थे, तो उसने पीछे से चुपके से एक छोटी सी वीडियो बना के मुझे भेजी कि दीदी देखो कि कैसे मतलब डाई हार्ड फैंस हैं मेरी फैमिली वाले आपके। उसके अलावा भी कई लोग हैं, एक और लड़का मैं उसका नाम मिस नहीं करना चाहती, मनजिंदर फ्रॉम यूके, उसका काफ़ी पोस्ट मैंने अपने इंस्टाग्राम के ऊपर भी शेयर किए हैं, पंजाबी लड़का है, उसकी मम्मी इतनी प्यारी हैं, बहुत मुझे प्यार करती हैं, उनकी कई बार मुझे मैसेज आते हैं, मुझे ऐसा लगता है मैं अपनी माँ की आवाज़ ही सुन रही हूँ जब वो मुझसे बात करती हैं। तो वो लड़का भी बहुत, उसने मुझे बहुत इनकरेज करा है। एक लड़का आरुष ठाकुर है, एयर इंडिया में काम करता है, उस लड़के ने भी इनिशियली मुझे काफ़ी सपोर्ट किया, एक दो वीडियोस उसने मुझे एज अप्रिसिएशन भी मेरी वीडियोस मतलब वीडियोस को यूज़ करके उसने बना के भेजे थे, वो भी मेरे चैनल के ऊपर मौजूद है। उसके अलावा एक लड़का है सिद्धार्थ, सिद्धार्थ और भरत, और सिद्धार्थ है दुबई में काम करता है, वो लड़का भी मुझे मिलने के लिए आया था, दुबई दुबई फूड एग्जीबिशन थी तो मैं वहाँ पे थी, तो उसको पता चला तो ही केम टू मीट मी। इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद, गोवा से होने के बावजूद भी उसने जो मुझे अप्रिशिएट किया वो मैं बिलीव ही नहीं कर पाई, क्योंकि मेरी जो एजुकेशन है वो एवरेज है, आई एम जस्ट अ ग्रेजुएट। उसके अलावा जो कोर्सेज हैं मेरे पास सारे एविएशन से रिलेटेड हैं, सारे जहाज़ से रिलेटेड हैं, लेकिन उसके फील्ड से रिलेटेड कुछ भी नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता था कि इस फील्ड के लोग भी ऐसे लोगों को फॉलो करते हैं लिटरली। तो लड़के ने भी मुझे मतलब जब अपने वो वर्ड्स कीमती वर्ड्स कहे तो उससे मुझे इनकरेजमेंट मिली कि मैं एक सही काम कर रही हूँ। ऐसा नहीं है ये चैनल सिर्फ एक सेगमेंट के लिए, चैनल सबके लिए है। उसकी मम्मी भी मेरा चैनल देखती है, उसका बेस्ट फ्रेंड है भरत वो भी मेरा चैनल देखता है। और एक दिन तो सिद्धार्थ, भरत और उसकी मम्मी, मैं निक्कर में अपने घर में सफाई कर रही थी
बेल बजती है और वो दरवाजे पे खड़े हैं। मैं लिटरली ऐसी लग रही थी जैसे काम वाली बाई, क्योंकि मैं घर पे बिल्कुल नॉर्मल रहती हूँ। आई मीन कम ऑन, हम सब नॉर्मल अपने घर में अपनी ड्यूटीज निभाते हैं, चाहे हम यूट्यूबर हैं, चाहे हम पायलट हैं, चाहे हम कैबिन क्रू मैनेजर हैं, चाहे हम कुछ भी हैं, एक घर में हम अपनी ड्यूटीज को पूरा करते हैं, सफाई भी करते हैं, डस्टिंग भी करते हैं। तो मैं भी उनमें से नॉर्मल लड़कियों में से एक हूँ जो अपने घर के सारे टास्क जो है रूटीन में अच्छे से बखूबी निभाने की कोशिश करती हूँ। मैं ये कहूंगी कि कोशिश करती हूँ, कि कभी कभी गलतियां मेरे से भी हो जाती हैं। लेकिन मैं उस दिन सफाई कर रही थी, लिटरली टॉयलेट में थी और एक कपड़ा मेरे हाथ में था, मैंने एक निक्कर डाली हुई थी, काले रंग की टी शर्ट डाली हुई थी, और मेरे घर की बेल बजती है और मेन डोर खुला हुआ था, क्योंकि मैं जब सफाई करती हूँ तो मेन डोर खोल लेती हूँ ताकि मुझे वो घुटन घुटन सी महसूस ना हो, कभी बाहर कभी अंदर, कभी झाड़ू रखना है कुछ करना है। तो दरवाजे पे खड़े थे तो मैं एकदम पैनिक हो गई, उसने मेरी वीडियो भी बनाई, फिर मैंने उसको बोला प्लीज इस वीडियो को किसी को दिखाना मत, बिकॉज मैं बहुत ही हॉरिबल लग रही थी उसमें। तो वो मेरी लाइफ का एक बहुत ही प्यारा सा मोमेंट था। उसके अलावा भी बहुत सारे प्यारे प्यारे लोग हैं, सबका नाम तो नहीं ले पाऊंगी। एक लड़का है एमेच्योर आर्टिस्ट जो जिसने मेरे काफी स्केच बनाए हैं। उसके अलावा भी कई लोग हैं, इतने प्यारे प्यारे ईमेल्स कनाडा से, न्यूजीलैंड से, इंडिया से, दुनिया के हर कोने से जब आपके ईमेल्स आते हैं ना, तो कभी कभी मैं थोड़ी इमोशनल भी हो जाती हूँ। क्योंकि उसका रीजन ये होता है कि आप जब कुछ सोच के अपनी जिंदगी में शुरू करते हैं, तो वो सोच का दायरा आपके एक छोटे से दायरे में ही कैद होता है। आपको लगता है कि आप एक चैनल चला रहे हो और लोगों की मदद हो रही है, तो उसके अलावा आप कुछ नहीं सोचते। उसका दूसरों के ऊपर कितने लेवल तक अफेक्ट आता है, आपके शब्दों का क्या प्रभाव आता है, आप उसको इतने डिटेल में नहीं देखते और सोचते। लेकिन जब लोगों के ईमेल्स मुझे आते हैं मेरे ईमेल एड्रेस पे, और कभी कभी उसमें जो शब्द मेरे लिए वो लिखते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो मुझे पता नहीं क्या बना रहे हैं। इतने प्यारे प्यारे वर्ड्स, इतनी प्यारी प्यारी लाइंस उसमें लिखी होती हैं। कोई मुझे अपनी बहन मानता है, एक लड़का है हैदर करके, तनवीर हैदर आई थिंक उनका नाम था, जिन्होंने मुझे, आपको याद होगा, पाकिस्तान से रेवड़ियाँ और एक कुर्ती भेजी थी, उन्होंने दोबारा मेरे लिए कुर्ती भेजी है। तो मतलब इतना सारा प्यार, कभी कभी लगता है कि ये एक रियलिटी है, सही है। लेकिन उस सबके साथ एक इनकरेजमेंट जो और कुछ और लाइफ में करने का जो जज्बा अंदर पैदा होता है ना, वो अमेजिंग फीलिंग है। तो ये आज की जो वीडियो है वो पूरी की पूरी डेडिकेटेड है आप सबको, मुझे नहीं, क्योंकि आपने मुझे खड़ा किया है। हाँ, मैं एक स्ट्रगलर हूँ लाइफ में, मैंने बहुत मेहनत की अपनी लाइफ में यहाँ तक पहुँचने के लिए जहाँ मैं आज खड़ी हूँ, उस चीज़ का मैं वैल्यू करती हूँ। लेकिन ये चैनल जो है वो मेरा एक जरिया है मेरे अपने लोगों को एजुकेट करने का, उनको सही रास्ता दिखाने का, उनके साथ कुछ अपने दिल की बातें शेयर करने का, अपनी मोटिवेशनल स्टोरीज को शेयर करने का। ये चैनल मैं कभी भी ये नहीं चाहूंगी कि कभी कोई नेगेटिव चीज प्रमोट करूं। आपने मुझे पार्टीज में जाते देखा होगा इस चैनल के ऊपर, या कई हमारे कल्चर से मैचिंग चीजें नहीं होती जो आपको कभी कभी देखने को मिलती हैं, जैसे कभी कोई मेरे पीछे है वो सिगरेट पी रहे हैं या शराब पी रहे हैं या कुछ भी ऐसा हो रहा है। मेरा मोटिव आपको एक लाइफस्टाइल को दिखाना, या दुनिया में क्या चीजें होती हैं, या उनके रिलेटेड हम अपने माइंड में क्या ख्याल बुन लेते हैं, उन मिथ्स को, उन हमारी जो कभी कभी कोई गलत राय बन जाती है किसी चीज के बारे में, तो उन सब चीजों को बैलेंस आउट करने के लिए मैं आपको वो जो सारा लाइफस्टाइल है वो दिखाने की कोशिश करती हूँ। ना कि मैं आपको ये कहती हूँ कि आप भी जाएं और ये सब चीजें करें। मैं कभी भी इन चीजों को प्रमोट नहीं करती हूँ। फैमिली इंपॉर्टेंट है, फैमिली टाइम इंपॉर्टेंट है, लाइफ में कुछ करना, आगे बढ़ना, ऑनेस्ट रहना और शिद्दत से काम करना बहुत ज़रूरी है। अगर मेहनती हैं आप लाइफ में, तो आप लाइफ में कहीं भी पहुंच सकते हैं। और कभी ऐसा नहीं होता, कोई शॉर्टकट नहीं होता सफलता के लिए, हमेशा हार्डवर्क होता है। आपके सामने मैं बैठी हूँ आज, मेरा अराउंड, मैं आपको अगर सच बोलूँ, आप कहेंगे मैं एक्सक्यूज़ बना रही हूँ, मेरा अराउंड 8 से 10 किलो वजन इस चैनल को शुरू करने के बाद बढ़ा है। उसका रीज़न मैं आपको बताती हूँ। क्या होता है, जो बचा हुआ टाइम है, देखिए दिन के 24 घंटे ही होते हैं इंसान के पास, उन्हीं 24 घंटे में, अगर मैं सिर्फ अपनी बात करूं, तो मैं एक मदर हूं, मुझे अपने बेबी को भी देखना है, मैं एक डॉटर इन लॉ भी हूं, मैं एक बहू हूं घर की, तो मुझे अपनी फैमिली के भी कई जो इश्यूज हैं, प्रॉब्लम्स हैं या हेल्थ इश्यूज हैं, उनसे दिन ब दिन जूझना पड़ता है। अपने घर का ख्याल भी रखना पड़ता है, घर का क्लीनर आया नहीं आया, कुकिंग हुई नहीं हुई, घर में कोई गेस्ट आ जाते हैं या कभी कोई शादी ब्याह का माहौल आ जाता है, तो मेरी भी एज अ ह्यूमन बींग बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती हैं अपार्ट फ्रॉम मेरी नौकरी और उसके अलावा जो ये चैनल है। तो इस सब में मैं अभी पिछले कुछ एक महीनों में
इतनी मशरूफ हो गई, इतनी बिजी हो गई कि मैंने अपना ध्यान रखना ही छोड़ दिया। बिलीव नहीं करेंगे, मैंने पूरे टाइम में शायद दो चक्कर सिर्फ मैंने, दो या तीन चक्कर मैंने सलोन के मारे होंगे। उसके अलावा मेरा जो रूटीन है महीने का वो भी टूट गया, क्योंकि मुझे लगता है वही 2-3 घंटे जो मैंने जाके सलोन में लगाने हैं, वही 2-3 घंटे मैं अपने चैनल के ऊपर कुछ कर लूँ, वीडियोज़ बना लूँ, आप लोगों से बात कर लूँ, लाइव आ जाऊँ। तो मैं इसके ज़रिए आपसे क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ कि इंसान जिस तरफ को अपना वक्त और एनर्जी लगाता है, वही चीज़ जो है ज़िंदगी में राइज होनी शुरू हो जाती है। तो मैंने भी अपना जो पूरा फोकस है अपनी फैमिली पे, अपने चैनल पे और अपनी जॉब पे, तीनों चीज़ों पे बराबर लगाया है, ताकि उसके अलावा जो है मैं किसी और चीज़ पे ज़्यादा फोकस ना करूं। तो इस वजह से, बिजी होने की वजह से, मैंने अपना वेट भी बढ़ा लिया, जिसको अभी मैं कम करने की कोशिश कर रही हूँ। आज मैं ग्रीन टी पी रही हूँ, आपको दिखा दूँ एज अ प्रूफ। तो मैंने कल से थोड़ी सी शुरुआत की है, सोचा कि नहीं, दोबारा से थोड़ा बॉडी को टून अप करना है, और अगर जिम नहीं जाया जाएगा उसके लिए वक्त नहीं निकाल पा रही हूँ। अभी मैं करंटली नहीं निकाल पा रही हूँ, आई बी ऑनेस्ट टू यू। मेरे बेटे का होमवर्क रहता है, आया गया रहता है, कई और कमिटमेंट्स भी लाइफ में रहती हैं, अभी नहीं हो पा रहा है। मैं आपसे सच बोलूंगी, अभी मैं आपको थोड़ी सी चबी ही नजर आने वाली हूँ कुछ एक वीडियोज़ में, आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। लेकिन जो मैं घर पर कर सकती हूँ, जैसे थोड़ा बहुत मैं ग्रीन टी पी सकती हूँ या अपनी रूटीन थोड़ी खाने पीने की चेंज कर सकती हूँ, तो वो मैंने करना शुरू कर दिया है। तो ये एक पूरा रैपअप था मेरा 2017 से लेकर का, जब से मैंने ये चैनल को शुरू किया है। अगर मैं कोई ऐसा मोमेंट या किसी ऐसे इंसान को भूल गई हूँ तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। मैंने ये वीडियो बिल्कुल प्लान करके नहीं की थी, मैं बैठी थी, सोच रही थी मैं क्या करूँ, और मेरे कई कई ऐसी लाइफ की जर्नीज हैं जो आपसे मैं शेयर करना चाहती हूँ, लेकिन उनको शेयर करने के लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए मुझे और कुछ वक्त चाहिए मुझे। लेकिन मैं आपसे वादा करती हूँ कि आने वाले टाइम में कभी भी मेरी ज़िंदगी का जब कोई स्पेशल दिन आता है, तो मैं आप सबके साथ हमेशा दिल खोल के अपनी सारी स्टोरीज, अपना जो भी मेरी एक जर्नी रही है लाइफ की, मैं उसके ऊपर जो भी हाईलाइट्स आपको धीरे धीरे थोड़ा टाइम टू टाइम देती रहती हूँ। कुछ एक वीडियोस हैं जो आपने मिस नहीं करनी है। आप प्लीज़ मेरे चैनल के ऊपर जो प्लेलिस्ट है उसके ऊपर ममता सचदेवा मोगा स्टोरी, ममता सचदेवा स्टोरी, या मेरे लाइफ के रिलेटेड स्टोरीज से कुछ एक वीडियोज़ रिलेटेड हैं, आप उनको ज़रूर देखिए। एक उडारी चैनल, एक उडारी शो हुआ था ETC चैनल पंजाबी के ऊपर, उस पर मेरा इंटरव्यू था, दैट इज़ इन पंजाबी। उसके मैंने सबटाइटल्स थोड़े से करने की कोशिश की है इंग्लिश में, पर मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि उसको आप देखना मत भूलिए, क्योंकि वो आपको मेरी ज़िंदगी के बहुत सारे ऐसे पहलू दिखाएगा जो शायद मैं कभी कह नहीं पाती हूँ, और शायद मैं इन फ्यूचर भी, मुझे कहने में बहुत बड़ा दिल और बहुत ज़्यादा हिम्मत चाहिए। तो दैट्स इट, आप सबका प्यार, आप सबका सपोर्ट, आप सबका इतना ज़्यादा वक्त जो भी आपने मुझे दिया है, उसके लिए मैं ममता सचदेवा आपकी बहुत ज़्यादा आभारी हूँ। लेकिन बस यही कहना चाहती हूँ, अपनी ज़िंदगी में खुश रहिए, आगे बढ़िए और पॉजिटिव रहिए। और हमेशा एक चीज़ मेरे लिए हमेशा काम आई है, जो मैं आज आपको एज अ टिप दे रही हूँ, कभी किसी का बुरा मत कीजिए। मैंने भी अपनी ज़िंदगी में कुछ गलतियाँ की हैं, मैं भी एक इंसान हूँ, मैं कोई भगवान नहीं हूँ, मैंने भी गलतियाँ की हैं। लेकिन मैंने अपनी गलतियों से यही सीखा है, किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, किसी के साथ कोई झगड़ा, लड़ाई झगड़ा करके कोई फ़ायदा नहीं होता। मैं भी हाइपर हो जाती हूँ, मुझे भी गुस्सा आता है, मेरा भी गुस्सा देखने वाली चीज़ है, लेकिन अच्छी चीज़ नहीं है। और हमेशा दूसरों का भला करेंगे तो आपका भी भला होगा। इसके रिलेटेड भी कई स्टोरीज हैं, कभी मैं आराम से वक्त से बैठी होंगी तो वो आपको ज़रूर बताऊंगी। तो एक एक चीज़ होती है, कहते हैं कि पता नहीं ऊपर वाला किसके कर्मों का आपको दे रहा है, किसके पैरों से आपको, मतलब किसकी किसके मुकद्दर का आप खा रहे हैं। तो कभी कोई अच्छाई की हुई ना हमारे पास लौट के ज़रूर आती है, बुराई की हुई भी आती है। तो प्लीज़ बुरा मत कीजिए, अच्छे इंसान बनिए और हमेशा आगे बढ़िए, और मेरे चैनल को ऐसे ही ढेरों सारा प्यार देते रहिए, मेरे से खूब गप्पे मारते रहिए। और इस वीडियो के नीचे भी आई वॉन्ट टू सी आप क्या सोचते हैं मेरे बारे में, जो भी दिल खोल के आप लिखना चाहते हैं, अच्छा बुरा, प्लीज़ लिखिए, मुझे आप सबके कमेंट्स बहुत पसंद है, प्लीज़ लिखते रहिए। सो धन्यवाद वंस अगेन, थैंक यू, एंड इस चैनल के साथ बने रहिए हमेशा। अगर आप कहीं गए ना तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। सो बाय, टेक केयर, थैंक यू।